हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। मैं एक बार फिर आपके सामने लेकर आई हूँ UPSC और UPSC मेंस के लिए टॉपिक जनरल स्टडी पेपर 1 का पॉइंट नंबर 7, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था शहरीकरण मीन्स अर्बनाइजेशन। इसका हम पार्ट 3 आज करेंगे। पार्ट 1 और 2 मैं पहले ही करा चुकी हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। पार्ट 3 देखने से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि फिर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इसके अलावा कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आएगा अगर आपने पहले ये देखा तो। 1 और 2 हम पहले करा चुके हैं, जिसमें मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि अर्बनाइजेशन की क्या क्या समस्याएँ हैं, वो हम आगे रिकैप में देखेंगे। थोड़ा GS पेपर 1 के साथ साथ GS पेपर 4 भी मैं साथ के साथ लेकर चल रही हूँ आप लोगों का, तो उसकी वीडियो भी साथ में आ रही है। लेकिन अभी हमने फ़िलहाल मेन फोकस किया है RO मेंस का, जिसका एग्ज़ाम फेब में होने वाला है, तो उस पर हम मेन फोकस कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग डेली 2 से 3 वीडियो लेकर आएंगे GS 1, 2, 3, 4 की, ताकि आपका कोर्स जून से पहले फटाफट से कंप्लीट हो जाए उसमें। और लोअर का भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए भी हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवाएंगे, जो कि UPSSSC के थ्रू निकलने वाला है फॉर्म, तो उसके प्रिपरेशन भी हम अच्छे से करवाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, आगे पार्ट 3 में देखते हैं। इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया था, इसमें हमने अवधारणा पहले पढ़ ली थी, कारण इसके बारे में हमने देख लिए थे, भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है अर्बनाइजेशन का, शहरीकरण की चुनौतियाँ क्या हैं, समस्याएँ क्या हैं, ये सब हमने देख लिया था। भारत में शहरीकरण, आज हम ये टॉपिक करेंगे, और शहरीकरण से संबंधित कुछ संस्थाएं इसके बारे में हम देखेंगे, और जो रह जाएंगी हमारा लास्ट टॉपिक योजनाएं काफ़ी सारी हैं, इसमें काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, इसलिए योजनाएं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और फिर हमारा ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा यहाँ से। तो चलिए देखते हैं, आप थोड़ा सा रिकैप देख लीजिए कि अवधारणा क्या थी, कारण क्या क्या थे इसके, भारतीय समाज पर इसका प्रभाव क्या क्या था, शहरीकरण की समस्याएं और चुनौतियां क्या क्या थी। तो आज हम करेंगे कि भारत में शहरीकरण, तो इसमें मैं काफ़ी सारा डेटा लेकर आई हूं आपके लिए, तो वो डेटा आप अपने एग्ज़ाम में इनपुट कर सकते हैं, बाय डायग्राम यूज़ कर सकते हैं, बार डायग्राम, पाई चार्ट, कुछ भी आप यूज़ करके अपना जो भी आपके पास डाटा है वो वहाँ पर शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर आते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं शहरीकरण का। तो आप लोगों को ये सब पता होगा कि जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी, हड़प्पा युग आया था, हड़प्पा में मोहनजोदड़ो जैसे नगरों को खोदा गया था, खुदाई में पता चला था कि जो भी शहरीकरण हुआ है या अर्बनाइजेशन, उसी युग से हमारे देश में देखा गया है। 6 बड़े बड़े महानगरों की खोज हुई थी, जिसके बारे में आप हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ चुके होंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के आगे और एरा की बात करें, तो 6 शताब्दी ईसा पूर्व में आप लोगों ने देखा होगा कि शहरीकरण का दूसरा दौर आया था, जो कि बुद्ध और महावीर के समय आया था, जब महाजनपदों का उदय हुआ था। तीसरे दौर की हम बात करते हैं तो वो मध्य युग से शुरू हुआ था, जब सल्तनत काल और मुगल शासन का काल आया था, उसके बाद भी उसके टाइम में भी हम शहरीकरण का बहुत सारा रूप देख सकते हैं। तो आप इस प्रकार की रूपरेखा बनाकर अपने अर्बनाइजेशन के क्वेश्चन को शुरुआत कीजिएगा, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको मार्क्स इसमें मिलेंगे। आगे फिर 18वीं शताब्दी आई, तो यूरोप जब भारत में आए यूरोपीय, तो वहाँ आगमन से शहरीकरण की प्रक्रिया में काफ़ी तेजी आई। पहले तो स्लो चल रहा था काम, लेकिन धीरे धीरे जब अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया, तो वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी तकनीक इंडिया में लेकर आए, जिससे शहरीकरण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। अगर हम प्राचीन नगरों की बात करें, तो भारत में 2000 से अधिक वर्षों से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले बहुत सारे ऐसे नगर हैं, जो कि 2000 साल से अधिक नगरीय संस्कृति में बसे हुए हैं। इनमें से अधिकांश का विकास धार्मिक तथा सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में भारत में हुआ है, जैसे कि आप लोगों का एक फेमस नाम है बनारस। बनारस बहुत महत्वपूर्ण नगर है, जिसे वाराणसी भी कहा जाता है, और ये आज से नहीं, ये सदियों पुराने महाजनपद काल से ही ये नगर के रूप में विख्यात है। तो आप लोग जान सकते हैं कि अर्बनाइजेशन कब से शुरू हुआ था इंडिया में, बहुत ही पुरानी बात है। ऐसे ही हम लोग और नाम ले सकते हैं, जैसे कि प्रयागराज है, जिसको इलाहाबाद कहा जाता है, पाटलिपुत्र जिसे पटना कहा जाता है, मदुरई, कुरुक्षेत्र, ये सब प्राचीन नगर हैं जिनके उदाहरण आज भी दिए जाते हैं।
इसी तरह बहुत सारा मौजूदा बहुत सारे ऐसे नगर हैं जिसका इतिहास मध्यकालीन से जुड़ा है, जैसे मध्यकाल में सल्तनत काल था, मुगल काल था, तो उनका इतिहास, जैसे कि जिसमें फेमस सबसे पॉपुलर हमारी दिल्ली, दिल्ली सल्तनत काल से लेकर मुगल काल तक केंद्र बिंदु नगर के रूप में बनी हुई थी। ऐसे ही और बात करें तो हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा और नागपुर बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण नगर थे जो कि मध्यकाल में बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। पश्चिमी देशों से आए जो नए नए शासक थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने भारत में बहुत सारे नगरों का विकास किया था। शुरुआती दौर में तटीय क्षेत्रों में जैसे कि दमन, गोवा, पौंडिचेरी, यहाँ पर बहुत सारे नगरीय पत्तन, मतलब कि यहाँ पर जो भी जहाज रुकने की जगह होती है पत्तन, यहाँ पर डेवलप किए गए थे। ऐसे ही ब्रिटिश सरकार ने, आप लोगों को पता ही होगा कि 3 शहरों बम्बई, मद्रास और कलकत्ता पर अपने पकड़ मजबूत करने के लिए उनका जो भी निर्माण किया वो अंग्रेजी शैली में किया, मतलब अपने लिए, अपने जैसे कि उनका उस पर कब्जा हो सके, उन्होंने अपने लिए उसका निर्माण किया। तो ये 3 प्रमुख नगर बन गए थे ब्रिटिश काल में। ऐसे ही ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक केंद्रों और ग्रीष्मकालीन जो विश्राम स्थल थे उसके रूप में पर्वतीय नगरों का विकास किया, जैसे कि उन्होंने शिमला का, डलहौजी, नैनीताल, ये सारे आपने नाम सुने होंगे, तो ये उनकी राजधानी उन्होंने बनाई ग्रीष्मकालीन, जैसे कि उन लोगों को ना गर्मी ज़्यादा लगती थी इंडिया में, तो वो लोग जब गर्मी पड़ती थी इंडिया में तो इन जगहों पर जाकर गर्मियों में रहते थे और सर्दियों में अपने केंद्र बिंदु दिल्ली पे या मुंबई, कलकत्ता, वहाँ पर आ जाते थे। ऐसे ही आधुनिक उद्योगों का जब विकास हुआ, टेक्नोलॉजी इंडिया में आई, तो उसके साथ भी बहुत सारे नगरों का जन्म हुआ। उनमें से हम कुछ नाम ले सकते हैं, जमशेदपुर, राउरकेला, दुर्गापुर, विशाखापट्टनम आदि। तो ऐसे ही ये जो सारे मैंने जगहों के नाम बताए, आज़ादी से पहले के नगर थे। अब आज़ादी के बाद इतने सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बन चुके हैं, इतने नगरों का विकास हो चुका है कि इनकी अब गिनती ही नहीं है। इनमें मुख्यतः हम मेन राज्यों की राजधानियां ले सकते हैं, जितनी भी राज्यों की राजधानियां, जैसे कि मध्य प्रदेश की भोपाल हो गई, यूपी की हमारी लखनऊ हो गई, तो ये मेन नगर हम कहे जाएंगे। इनमें अर्बनाइजेशन सबसे ज़्यादा है, तो हम राजधानियों में भी देखेंगे कि किस में कितनी जनसंख्या है अर्बनाइजेशन के रूप में। ऐसे ही कुछ पुराने जो नगर हैं वो महानगरों के चारों ओर सहायक नगरों में के रूप में उभरे हैं, जैसे कि दिल्ली के चारों ओर NCR, आप सुने हो, आप लोगों ने नाम सुना होगा दिल्ली NCR है। तो NCR क्या होता है, दिल्ली क्या है, महानगर है, और के जो चारों तरफ जो नगर हैं वो हैं गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, गुड़गांव, ऐसे बहुत सारे नगर हैं जिसको NCR कहा जाता है। तो महानगरों के आसपास नगर बहुत सारे अपना अस्तित्व लेकर आए हैं शहरीकरण के रूप में। आगे हम अगर जनसंख्या की बात करें तो नगरीय जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई है। यहाँ मैंने जो लेटेस्ट डाटा दिया है आप लोग यहाँ देख सकते हैं, 2007 में जो अर्बनाइजेशन था यहाँ पर 29.91% लोग अर्बनाइजेशन मतलब कि शहरों में रहते थे। ऐसे ही 2008 में 30.25%, 2009 में 30.59%, 2010 में 30.93%, और ये मेन इम्पॉर्टेंट है 2011 क्यों, क्योंकि ये हमारा जो जनगणना है ये 2011 की मेनली 10 साल बाद लिखी जाती है, तो आप ये अगर कोई और डाटा याद ना भी रहे तो ये वाला ज़रूर याद रखिएगा। 31.28% 2011 में शहरी जनसंख्या थी भारत की। ऐसे ही 2012, 13, 14, 15, 16, 17 तक का डाटा यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है, तो आप लोग 17 तक का यहाँ पर लर्न कर सकते हैं। 17 में थी 33.54%। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास डाटा दिया हुआ है जो कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन जहाँ जहाँ है उसमें जो सिटीज़ हैं उसका हमारे पास मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, और ये सेंसस 2011 का है, तो ये हम लोग लेटेस्ट ही मानेंगे थोड़ा सा, क्योंकि एग्ज़ाम में जब भी आप लिखेंगे 2011 का लिखेंगे, और जब 2021 वाला कैलकुलेशन हो जाएगी, जब पॉपुलेशन का पता चल जाएगा, उसके बाद से हम वो डाटा अपने एग्ज़ाम में लिखना शुरू करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि दिखाया हुआ है,
सिटी मुंबई जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जो कि रैंक 11 पर यहाँ पर दिखाई गई है, सॉरी ये रैंक 1 पर दिखाई गई है ये मुंबई में। रैंक 2 पे यहाँ दिल्ली पड़ता है, रैंक 3 पे कोलकाता, रैंक 4 पे चेन्नई, रैंक 5 पे बेंगलोर। तो ये सिटीज़ के बारे में बताया गया है कि इन सिटीज़ में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो आप लोग यहाँ मोस्ट फेमस कुछ कुछ, एक तो जहाँ के आप लोग हैं, जहाँ से सेटल हैं, तो वहाँ का ज़रूर याद रखिए। जैसे कि उत्तर प्रदेश में मेनली लखनऊ के बारे में आप ज़रूर जानिए कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, अर्बन पॉपुलेशन कितनी है। यहाँ हम सिर्फ अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं, अर्बन पॉपुलेशन की। इसी तरह अगर आप गुजरात के हैं तो अहमदाबाद की पॉपुलेशन कितनी है, आप मेन के सिटी में हैं तो वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, वो ज़रूर याद रखिए, क्योंकि ये इंटरव्यू में भी आपके काम आएगा। तो आप यहां से देख सकते हैं, और जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगे, शुरू के फर्स्ट 2-3 तो आपको ज़रूर लर्न होने चाहिए, जो आप अपने एग्ज़ाम में राइटिंग में लिख सकें। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर दिया हुआ है अर्बन पॉपुलेशन अक्रॉस स्टेट्स, वो वहां पर हमने सिटीज़ के बारे में बात की थी, जो मोस्ट पॉपुलर सिटीज़ हैं इंडिया की उसमें अर्बन पॉपुलेशन कितनी है। यहाँ हम बात करेंगे कि पूरी इंडिया में जो स्टेट हैं उनकी अर्बन पॉपुलेशन कितनी है और सबसे ज़्यादा कहाँ की है। तो यहाँ पर एनसीटी ऑफ दिल्ली, यहाँ की अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, नंबर 1 पे है। और आप ये मैप के थ्रू भी देख सकते हैं कि जहाँ पर ब्लैक एरिया है वहाँ की पॉपुलेशन, सॉरी जहाँ पर ब्लैक एरिया है वहाँ की सबसे कम पॉपुलेशन है, और जहाँ पर ये स्काई ब्लू एरिया है वहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ चंडीगढ़ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आएगा ये हिस्सा, तो यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। दिल्ली, यहाँ पर छोटा सा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है डॉट, ये रहा दिल्ली, यहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो ये अर्बन पॉपुलेशन की ओनली बात हो रही है। जैसे कि हम लास्ट में यहाँ बात करें हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन काफ़ी कम बताई गई है। इसी तरह अर्बन पॉपुलेशन की बात हो रही है, यहाँ पर बिहार की अर्बन पॉपुलेशन कम है, आसाम, उड़ीसा, मेघालय, इन सब की अर्बन पॉपुलेशन जो ब्लैक एरिया में आपको दिखाई दे रहा है ये अर्बन पॉपुलेशन है। तो ये बहुत ही अच्छा यूज़ है मैप का। आप जब भी एग्ज़ाम में आए अर्बनाइजेशन के बारे में, तो आप कुछ इंडिया का मैप आपको हैंड से बनाना आना चाहिए, रफ हैंड से आप बना सकते हैं, और उसके ऊपर जो भी मेन आपको हाईएस्ट पॉपुलेशन एरिया लर्न कर लीजिए, लोएस्ट पॉपुलेशन एरिया लर्न कर लीजिए, उसको मैप में शो कर दीजिए। इससे उन लोगों को लगेगा कि हाँ आपको नॉलेज है, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, आपको उसके बेसिक नॉलेज भी पता है अर्बनाइजेशन के बारे में। तो ये सब चीज़ें, जैसे ये ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ आप वहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही एग्ज़ाम में मार्क्स मिलते हैं, सिर्फ लिखने से मार्क्स नहीं मिलते हैं, आपको लिखने के साथ साथ अपनी क्रिएटिविटी भी शो करनी पड़ेगी, तभी मार्क्स आप गेन कर पाएंगे और बच्चों के मुकाबले। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। तो आगे हम देखेंगे कि शहरीकरण से संबंधित कुछ संस्थाएं हैं, वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं और उनका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर शहरीकरण से संबंधित जो सबसे पहली संस्था है वो है आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड, जिसको हुडको भी कहा जाता है। आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड, जिसको कहा जाता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, हुडको। भारत सरकार द्वारा ये पूर्ण स्वामित्व वाले उद्यम के रूप में आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड इसका नाम दिया गया है, और इसका जो गठन किया गया है वो है 25 अप्रैल 1970 को, और इसको कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत इसका गठन किया गया। इसका जो उद्देश्य था वो था कि आवास की कमी की समस्याओं को निपटने के लिए मलिन बस्तियों की बढ़ती संख्या और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक पहल के रूप में इसका गठन किया गया था। और इस हुडको को निर्माण और आवास की कमी में उन्मूलन तथा शहरी केंद्रों के व्यवस्थित विकास और गति को तेज करने का भी काम इसको सौंपा गया था। इसके बहुत सारे और भी यूज़ थे इनके, जैसे कि निर्माण सामग्री के औद्योगिक उद्यमों की स्थापना में सहायता करना, इसका ये उद्देश्य था। और हुडको को जो
अग्रणी ज्ञान केंद्रों और आवास की सुविधाओं से युक्त एक आवासीय प्रबंधन संगठन की संज्ञा दी गई थी, जिसका एक उद्देश्य था कि जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सतत पर्यावास के विकास को बढ़ावा देना, इसका एक मेन उद्देश्य तय किया गया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्था है शहरीकरण से संबंधित। नेक्स्ट संस्था की हम बात करेंगे, राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग, नेशनल अर्बन कमीशन। देश के पहले राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग का गठन किया था, जो कि वास्तुविद थे चार्ल्स कोरिया, इनकी अध्यक्षता में किया गया था। और चार्ल्स कोरिया के आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है ये। और ये किया गया था अक्टूबर 1985 में। आयोग ने 1988 में अपनी रिपोर्ट जो सरकार को दे दी थी। और आयोग जो तीव्र गति से शहरीकरण हो रहा था, उसके लिए प्रबंधन करना था कि कैसे कार्य योजना बनाई जाए, दिशा निर्देश कैसे तय किया जाए, प्राथमिकता किन क्षेत्रों को दी जाए, इन सब के बारे में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और आयोग ने 329 ऐसे केंद्रों की पहचान की थी जिनका आर्थिक और भौतिक आकार शहरों के ढांचे में ढाला जा सकता था, तो उनकी संख्या थी 329। इन्हें आर्थिक संवेग का उत्पादन केंद्र भी कहा गया था, जैसे कि जैम कहते हैं जिसे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका स्पष्ट जो उद्देश्य था, देश के विकास की प्रक्रिया में शहरीकरण को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग का मुख्य उद्देश्य था। थर्ड पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय आवास बैंक। राष्ट्रीय आवास बैंक जो स्थापना की गई थी, वो राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के तहत इसके की गई थी स्थापना। और स्थापना की इसकी डेट थी 9 जुलाई 1988। नई दिल्ली में स्थित इस बैंक की संपूर्ण जो चुकता पूंजी थी, वो रिजर्व बैंक ने दी थी। और इसका जो कार्य और कारोबार था, इसका कार्य था पर्यवेक्षण करना, निर्देशन और प्रबंधन करना अधिनियम के तहत। और इसमें जो भी बैंक की इसकी प्रस्तावना थी, इसमें कहा गया था राष्ट्रीय आवास बैंक स्थानीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर आवास वित्त संस्थानों के संवर्धन हेतु एक प्रमुख एजेंसी के तौर पर कार्य संचालन करेगा, तथा ऐसे संस्थाओं को वित्तीय एवं अन्य प्रासंगिक विषयों के लिए सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। तो मतलब मेन इसका फोकस यही था कि जिन लोगों को आवास की ज़रूरत है, जो शहरीकरण में योगदान देना चाहते हैं, उनको ये पूंजी प्रदान करेगा और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता देगा, ताकि वो आवास के लिए सुविधा अपने लिए जुटा पाए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें होगा भारत पर्यावास केंद्र। इसकी स्थापना की गई थी 1993 में। इसके भवन के निर्माण को लेकर हुडको का यह विचार था कि भारत में शहरीकरण से जुड़ी संस्थाओं को एक छत के नीचे स्थापित किया जाना चाहिए, मतलब जो बिखरी हुई चीज़ें हैं उनको जोड़ के एक साथ लाना इसका उद्देश्य मेन था। और भारत में सरकारी कार्यालयों की परंपरागत छवि को बदल दिया जाए, इसमें इसके लिए भारत पर्यावास केंद्र की स्थापना की गई थी। तो इसमें बहुत सारे जो शहरीकरण से जुड़ी संस्थाएं थी, इसके अंदर लाकर एकजुट कर दिया गया था, सबमिट इसके अंदर कर दिया गया था। जैसे कि हम कुछ संस्थाओं की बात करते हैं, एसोसिएशन ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, ऑल इंडिया ब्रिक्स एंड टाइल्स मैन्युफैक्चर, ऑल इंडिया हाउसिंग डेवलपमेंट एसोसिएशन, सेंटर बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट, राष्ट्रीय आवास बैंक नई दिल्ली, ये सब, और दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन आदि प्रमुख ऐसे संस्थान थे, संस्थाएं थी जो भारत पर्यावास केंद्र के अंतर्गत की गई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे दिल्ली नगर कला आयोग की। दिल्ली नगर कला आयोग की जो स्थापना हुई थी, वर्ष 1973 में की गई थी, जो कि संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना भारत सरकार को दिल्ली भर में शहरी और पर्यावरणीय डिजाइन के सौंदर्य बोधक गुणवत्ता के परिरक्षण, विकास और रखरखाव के बारे में सलाह देने, तथा विभिन्न स्थानीय निकायों को ऐसे निर्माण कार्यों या इंजीनियरिंग क्रियाकलापों को परियोजना विकास के प्रस्ताव के बारे में परामर्श और मार्गदर्शन देने के लिए की गई थी, जो कि आसपास की रूपरेखा और सौंदर्य
बोधता, विशेषता या निकाय के दायरे में जो कि प्रदत्त किसी सार्वजनिक सुविधा पर असर डालती हो या फिर असर डालने की संभावना हो, इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान के बारे में। इसकी जो स्थापना की गई थी ये 1976 में हुई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था शहरी विकास और प्रबंधन के मामलों में शोध करना, प्रशिक्षण और संबंधित सूचना के प्रसार के क्षेत्र में कार्य करना। सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत इस स्वास्थ्य संस्था को शहरी विकास मंत्रालय, संबंधित प्राधिकरणों और राज्य सरकार का भी इसको समर्थन प्राप्त है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्था है। इसके बाद हम बात करते हैं निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद। इसकी स्थापना की गई थी 1990-91 के अंदर और इस परिषद की जो स्थापना की गई थी इसका जो मेन उद्देश्य था वो था प्रयोगशाला विकास का, वैकल्पिक भवन निर्माण सामग्री का निर्माण करना, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए अनुप्रयोग करना, मतलब कि जो भी शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए निर्माण सामग्रियाँ होती हैं, प्रौद्योगिकी होती है, इसकी क्षमता को बढ़ाना, इसमें नए नए अनुसंधान करना, इसके लिए इसकी इसका गठन किया गया था। ये संस्था प्रदर्शन निर्माण, क्षमता भवन, कौशल विकास, प्रशिक्षण, प्रदर्शनी, अन्य प्रकार के प्रकाशनों की मदद से नवीन और पर्यावरण हितैषी, मेन इसमें पर्यावरण के पक्ष में काम करना था, भवन निर्माण सामग्रियों को प्रोन्नत करना था, मतलब कि जो भी हम भवन का निर्माण करेंगे वो पर्यावरण के अनुकूल हो, प्रतिकूल ना हो। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन। ये संगठन था आवास और भवन निर्माण गतिविधियों से संबंधित जो भी सांख्यिकी सूचनाएं हैं उसको एकत्रित करता था, उसका तालिकीकरण करता था, मतलब उसकी तालिका बनाता था और प्रसार के लिए देश में जो शीर्ष संगठन के रूप में काम कर रहा था, मतलब कि जो भी शहरीकरण से संबंधित डाटा था वो राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के अंतर्गत किया गया था। इसका जब पुनर्गठन किया गया वो 2006 में किया गया और इस संगठन को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के घटक शहरी गरीबी को बुनियादी सुविधाओं तथा एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम और राजीव आवास योजना के अंतर्गत जो भी इतनी सारी योजनाएं थी इसमें इन परियोजना का मूल्यांकन स्वीकृत करना, निगरानी करना, समीक्षा के कार्य में समन्वय करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में गठन किया गया इसका। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट संगठन है शहरीकरण से संबंधित। नेक्स्ट संगठन की बात करेंगे ह्यूमन सेटलमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना जो हुडको ने 1985 में ही की थी, जो हुडको ने ही की थी इसकी स्थापना, और ये जो संस्थान था ये हुडको के लिए अनुसंधान करता था, प्रशिक्षण विभाग के रूप में ये संस्थान हुडको के लिए कार्य करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इस संस्थान के कार्य क्षेत्र में आता था आवास अवसंरचना, नगरीय पर्यावरण, नगरीय गरीबी, नगरीय वित्तीय, नगरीय गवर्नेंस जो होती थी, मानवीय बस्ती के क्षमता के निर्माण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का विकास करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था। तो ये जो संस्थाएं मैं बता रही हूँ नाम से तो आप लोगों को पता चल ही रहा होगा, फिर भी इसके जो उद्देश्य हैं और जो कार्य प्रणाली है वो ऑलमोस्ट सेम होगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको साथ के साथ बता रही हूँ, तो उसको आपको लर्न करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट संस्था की हम बात करेंगे नेशनल रियल डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1998 में हुई थी और ये स्वायत्तशासी संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। ये जो एक परिषद के ऐसे मंच के रूप में काम करता है जहाँ पर सरकार, उद्योग, निजी लोग और संस्थाएं इस क्षेत्र की समस्या और नए अवसर को लेकर आपस में खुले और तौर पर विचार, आपस में विचार विमर्श कर सकते हैं, अपने विचारों को एक दूसरे की तरफ पहुंचा सकते हैं और जो भी विचार पहुंचाएंगे तो जो भी हमारे पास मुद्दे होंगे उसका एक बहुत ही उचित हल निकाला जा सकता है। इसका जो एक मुख्य अन्य उद्देश्य है वो है रियल एस्टेट बिजनेस में पारदर्शिता और नैतिकता का विकास करना और असंगठित भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र को परिपक्व और वैश्विक प्रतिस्पर्धी व्यापारिक क्षेत्र के रूप में परिवर्तित करना।
तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है। तो जितने भी मैंने संस्थाएं बताई हैं शहरीकरण से संबंधित, जितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे उसी हिसाब से आप वहाँ पॉइंट्स लिखेंगे। मिनिमम 6 to 7 पॉइंट्स आपको लर्न होने ही चाहिए ये संस्थाएं। अगर आप हेडिंग डालते हैं और अंदर थोड़ा बहुत भी आप उस संस्था से संबंधित लिख देते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब कोशिश करिएगा कि वीडियो बार बार देखिए और इस जो भी मैंने इसके पॉइंट्स बताए हैं, इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट बताया है, वो आप लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो लेकर आई, लेकिन अब ये वीडियोस रेगुलर आएंगी आपके पास और आपको डेली 1 से 2 वीडियोस की अपडेशन मिलती रहेगी। तो हमारी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए। हमारे चैनल को बहुत बहुत प्यार देने के लिए आप लोग का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।